इतिहास गवाह है कि हर सावित्री ने स्वयं अनुशासन की बदौलत कठिन से कठिन काम भी आसान कर दिखाया है। महिलाओं में हर काम को करने की जिद और क्षमता रहती है। नागपुर शहर की यातायात व्यवस्था में भी घर घर की सावित्री स्वयं अनुशासन लगाने का आह्वान जिलाधिकारी विमला आर ने किया। नागपुर प्रादेशिक परिवहन कार्यालय की ओर से यातायात नियमों की जन जागृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सावित्री दस्ते का शुभारंभ किया गया। इस दस्ते के माध्यम से हादसों को कम करने के उद्देश्य से महिलाओं को यातायात नियमों के बारे में जागृत किया जाएगा और इसकी जिम्मेदारी भी आरटीओ की महिलाओं ने अपने कंधे पर ली है। सावित्री पदक हे महाराष्ट्रातील पहिलंच आरटीओ कार्यालयातर्फे इंट्रोड्यूस केलेलं पहिलं पदक आहे आणि या पथकाद्वारे आम्ही सर्व महिलांना रस्त्यावर जे वाहन चालवतात वगैरे त्या महिलांना प्रशिक्षण देणार आहे, अंमलबजावणी करणार आहे। ज्या पद्धतीने प्रत्येक वेळेस महिलांनाच ब्लेम केला जातं की वाहन चालवताना एखादी बाई जर एखादी लेडीज गाडी चालवती आहे स्लो असेल किंवा टर्निंग असेल तर समोरचा व्यक्ती मग तो नाही त्या गाडीत लेडीजच असेल। तर हा जो कन्सेप्ट आहे तो लोकांचा जो आहे गैरसमज हा दूर करण्यासाठी त्यानंतर रस्त्यावर वाहन चालवताना महिलांना कुठले वाहन म्हणजे वाहन कसे चालवायचे किंवा त्यांनी वाहन चालवताना कोणते डॉक्युमेंट्स वगैरे आपण सोबत कॅरी करायला पाहिजे या सगळ्या गोष्टीचं आम्ही या आमच्या सावित्री पथकाद्वारे मार्गदर्शन करणार आहोत। तसंच आम्ही प्रत्येक शाळा कॉलेजेसमध्ये जाऊन त्यानंतर सोसायटीजमध्ये वगैरे जाऊन प्रोजेक्टरद्वारे रस्त्याच्या गाडी चालवताना कुठली काळजी घ्यायला पाहिजे याचं आम्ही डेमॉन्स्ट्रेशन वगैरे जारी करणार आहोत। इसके लिए महिलाओं को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। नागपुर में यातायात के अनुशासन में और सुधार लाने की गुंजाइश है। सावित्री पथक हेच जो उद्देश्य ने विचार ने आरटीओ ने ही आइडिया पुढ़े के लिए मला खूब अभिमान है कारण अपन जस बगत तो दोन तीन गोष्टी नागपुर की रस्ते सुरक्षे बाबत जर आप बगित तो अजु ही प्रकार से जाव जागृति आणि लोकांमध्ये एक शिस्त जी असायला पाहिजे। दोनदा आपल्याकडे जस्टिस सप्रे आलेले होते, कमिटीची मीटिंग झाली होती आणि त्याच्यामध्ये प्रकर्षाने दोन गोष्टी जाणवले की लोक ट्रॅफिक रूल्स फॉलो करण्यामध्ये थोडंसं म्हणजे इतक्या सिरियसली फॉलो करत नाही। तर हे जे अवेअरनेस असायला पाहिजे, रूल्स फॉलो करायला पाहिजे आणि ह्यामध्ये साधारणतः आपण जेव्हा बघतो परवरिशची गोष्ट जी असते घरातसुद्धा आईपासून नॉर्मली आपण सुरुवात असते म्हणजे जबाबदारी दोघांची असते पण सुरुवात ही आईपासून होते। म्हणून हे सावित्री पथक मला असं वाटतं त्या उद्देशाने तयार केलं। कार्यक्रम में जिलाधिकारी विमला आर, बम्बई हाईकोर्ट के नागपुर खंडपीठ के मुख्य सरकारी वकील केतकी जोशी, राजमार्ग पुलिस अधीक्षक श्वेता खेड़कर, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी मेजर डॉक्टर शिल्पा खरबकर, पूर्व महापौर नंदा चित्सकार, आरटीओ रविंद्र भुयार, एआरटीओ स्नेहा बेंडी आदि मंच पर उपस्थित थे। इस अवसर पर सभी अधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त किए। जिलाधिकारी विमला आर और मुख्य सरकारी वकील केतकी जोशी ने सावित्री दस्ते के वाहन को हरी झंडी दिखाई। कार्यक्रम का संचालन कांचन देशपांडे ने किया। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, बीसीएन न्यूज़ नागपुर।